हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ बीबोर्ड। और हम आपके सामने हाजिर हैं फरवरी के मंथली करंट अफेयर्स के साथ। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय यूएन एंड डैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इटली। तो अफ्रीका सेंटर क्लाइमेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए यूएन और इटली ने लॉन्च किया है। अफ्रीका सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर के पास में है। ये कहाँ पे है? तो ये है रोम में। साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल पैनक्रियास स्मार्टफोन ऐप को डेवलप किया है। ये किन पेशेंट्स की हेल्प करेगा? तो ये डायबिटीज पेशेंट की हेल्प करेगा। वर्ल्ड लेप्रेसी एराडिक्शन डे ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। इस साल की जो थीम क्या थी वर्ल्ड लेप्रेसी डे की? तो इस साल की थीम थी एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन स्टिग्मा एंड प्रीजस्टिस। दो गल्फ कंट्रीज की सेंट्रल बैंक ने एक कॉमन डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग FDI जो है उसमें 18% का इंक्रीमेंट हुआ है टू 28.25 लाख करोड़ फिजिकल ईयर 2018। NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स का डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट किया गया? तो उसका करेक्ट आंसर है राजीव चोपड़ा। राजीव चोपड़ा को डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC अपॉइंट किया गया है। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने 6 सबमरीन की इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल दिया है। इसके वर्थ क्या है? 40,000 करोड़। 3 बैंक जिसे PCA फ्रेमवर्क से पूरी तरीके से हटा दिया गया है तो वो कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। दिसंबर में गवर्नमेंट ने बैंक ऑफ इंडिया में कितने रुपए का कैपिटल इन्फ्यूजन का अनाउंसमेंट किया है? तो 10,000 करोड़ का। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-2018 में कितनी है अकॉर्डिंग टू NSSO? इसका हो जाएगा 6.1%। किसान सुविधा लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इंटरिम बजट में रेलवे के लिए कितना बजट अलोकेट किया गया है फिजिकल ईयर 2020 के लिए? तो किया गया है 64,587 करोड़। यूएन ने 2019 को एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरह अनाउंस किया है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अंदर, जो कि एक्सप्लोर करेगा प्रीपेड पेमेंट्स जो कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती हैं पावर प्लांट्स को। ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है PK सिन्हा के रिकमेंडेशन पे। किस टीम ने रेगटा ट्रॉफी जो कि हुई थी कोची एरिया पुलिंग रेगटा 2019 सदर्न नेवल कमांड को अपने नाम किया? तो वो INS द्रोणाचार्य ने। वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट चेंज। वो कौन सी पहली भारतीय हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन लेडीज PGA टूर अपने नाम किया गोल्फ में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वानी कपूर। ये पहली भारतीय जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन लेडीज PGA टूर अपने नाम किया। रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के लिए इंडिया का एम्बेसडर किसे चुना गया है? संजीव रंजन जी को। किस कंट्री ने 4 टाइम्स की चैंपियन फुटबॉल एशियन कप की 4 टाइम की चैंपियन जापान को 3-1 से हरा के पहला एशियन कप अपने पास किया? तो वो होगा कतर। वो पहली वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 200 ODI खेले? तो वो है मिताली राज। यस बैंक सीनियर ग्रुप प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिटेल्स एंड बिजनेस बैंकिंग, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो उनका नाम क्या है? प्रलय मोहनदाल। वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। यूनियन मिनिस्टर KJ अल्फोंस ने बताया कि जो कंट्री की टूरिज्म सेक्टर है उसमें 234 बिलियन US डॉलर का रेवेन्यू फेच किया है, उसमें ग्रोथ कितनी हुई है? तो ये ग्रोथ हुई है 19%। एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया किसे बनाया गया है? नीलांबर आचार्य को जी को। UICC ने वर्ल्ड कैंसर डे जो कि मनाया जाता है 4 फरवरी को, उसी में एक नया 3 साल का कैंपेन लॉन्च करने की बात कही है कि ऑर्गेनाइज करेंगे। इसकी थीम क्या है? I am and I will। फर्स्ट एशियन वूमेन जिन्होंने 100 T20 खेले हैं, तो इसका नाम है साना मिर। ये पाकिस्तान की हैं। प्रो रेसलिंग लीग का 4th एडिशन किस टीम ने अपने नाम किया है जो कि हो रहा था ग्रेटर नोएडा में? तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा हैमर्स ने। प्रो रेसलिंग लीग का 4th एडिशन जो कि ग्रेटर नोएडा में हो रहा था, इसे किसने जीता है? हरियाणा हैमर्स ने। डॉक्टर M मणिकंदन जो कि मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं किस स्टेट के, उन्होंने ICT अकेडमी ब्रिज 2019 कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है जिसमें 1,000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो ये हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ तमिलनाडु। इंडिया की नई ई कॉमर्स पॉलिसी कब से इफेक्ट में आएगी? तो 1 फरवरी 2019। फिच सॉल्यूशन जो कि फिच ग्रुप की एक रिसर्च आर्म है, उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3.6%। किस स्टेट ने टॉप स्लॉट ऑक्यूपाई किया है बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए बजट फॉर्मुलेशन के लिए जो कि किया गया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा? तो वो स्टेट है आसाम। वो कौन सी स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जिसने प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट PMRU को
सेटअप किया है जिससे वो ट्रैक कर सकें कि एसेंशियल्स ड्रग हैं या फिर मेडिकल डिवाइसेस हैं उसमें कोई वॉयलेशन तो नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी स्टेट है? केरला। कौन सी सिटी में 6 डेज का म्यूजिक एंड डांस फेस्टिवल सुपन हुआ था जो कि इंकरेज करता है यंग आर्टिस्ट को कि वो अपने ट्रेडिशनल आर्ट में पार्टिसिपेट करें? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में। काला घोड़ा फेस्टिवल जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीकल्चरल स्ट्रीट फेस्टिवल है, ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में। कितने रीजनल रूरल बैंक को मर्ज करके तमिलनाडु ग्रहम बैंक मनाया जा रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग? तो 2 बैंक को मिला के। किसे CEO बनाया जा रहा है कॉरपोरेशन बैंक का? PV भारती जी को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 14% स्टेक जो है एक माइक्रो फाइनेंसियर कंपनी के लिए है, उस कंपनी का क्या नाम है? अनुपूर्णा फाइनेंस। तो ADB ने 14% स्टेक किस कंपनी के खरीदे हैं? एक माइक्रो फाइनेंसियर अनुपूर्णा फाइनेंस के। किस स्टेट में इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया है गगनयान मिशन के लिए? तो इसका आंसर होगा कर्नाटका में। इंडो मोनाको बिजनेस फोरम कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। तो ICC की लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप रैंक बैटर जो वुमेन्स ODI क्रिकेट में है वो है स्मृति मंदाना। एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अर्जेंटीना किसे बनाया गया है? दिनेश भाटिया जी को। इंडिया के स्क्वैश प्लेयर जिन्होंने सियाटल ओपन जीता है उसका नाम क्या है? रमित टंडन। रमेश भाटकर उनका निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक मराठी एक्टर थे। किसे एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया, ये भी हमने डिस्कस किया, इंडिया का एम्बेसडर रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया में किसे बनाया गया है? संजीव रंजन जी को। इंडिया की कौन से नंबर की कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि है GSAT-31 उसे लॉन्च किया है फ्रेंच गुआना से? तो ये 40th इंडिया की 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-31 इसे फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया। इंडिया की जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है 40th है उसे फ्रेंच गुआना से लॉन्च किया गया है। इसे किस रॉकेट ने लिफ्ट किया था? इसे लिफ्ट किया था Ariane 5 ने। किसे CBI का नया चीफ की तरह अपॉइंट किया गया है? तो है ऋषि कुमार शुक्ला। फास्टेस्ट 50 T20 में बनाने वाली वो वुमेन कौन है? तो वो है स्मृति मंदाना। अभी उन्होंने देखा था ICC की लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग वुमेन ODI में वो टॉप रेटेड बैटर भी हैं। तो फास्टेस्ट 50 बनाने वाली इंडियन की वुमेन T20 में वो कौन है? स्मृति मंदाना। किसे फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन के साथ ऑनर किया गया? संजीव चड्ढा जी को। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन हैज इश्यूड एन एडवाइजरी रिक्वेस्टिंग बैंक्स टू वेव ऑफ द प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन इंस्पेक्शन एंड ऑल अदर सर्विस चार्जेस फॉर किसान क्रेडिट कार्ड एंड क्रॉप लोन्स अप टू हाउ मच रुपीज? इसका आंसर है 3 लाख रुपीज। कौन सी कंट्री नाटो को ज्वाइन करेगी और बन जाएगी 38th मेंबर ऑफ द US-led अलायंस? तो नाटो को ज्वाइन करने वाली 30th मेंबर कौन सी है? तो वो है मैसिडोनिया। इंडिया और किस कंट्री ने कोऑपरेशन ऑन वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हाथ मिलाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी ने। किस स्टेट ने कमेटी बनाई है जो कि रिव्यू करेगी वेरियस स्कीम बीइंग इंप्लीमेंटेड फॉर वेलफेयर ऑफ ट्राइबल, जो कि ये देखेगी कि जो ट्राइबल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए कौन सी स्टेट ने कमेटी बनाई है? तो ये कमेटी बनाई है महाराष्ट्र स्टेट ने। शोभा कौशल उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2017 से नवाजा गया, वो एक बहुत ही प्रख्यात कथक डांसर हैं। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऐप उसे लॉन्च किया गया गूगल प्ले स्टोर में। CEO कौन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के? तो वो हैं इंदु भूषण जी। किस पेमेंट बैंक ने स्वीप अकाउंट फैसिलिटी लॉन्च की है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक ने। किसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का नया सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला जी को। प्रदीप सिंह खरोला सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नए सेक्रेटरी। 6th bi-monthly मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी के बाद जो रेपो रेट है वो क्या हो गया है? 6.25 MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये कितना हो गया है? 6.5। लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेसमैन जो कि US हिस्ट्री में थे जो अब हमारे साथ नहीं है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जॉन डिंगल। परमाणु टेक 2019 कॉन्फ्रेंस ये किस सिटी ने होस्ट किया? ये होस्ट किया है न्यू दिल्ली ने। इंडिया की रैंकिंग क्या है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019 में? तो इंडिया की रैंकिंग है 36। लीजन दी ऑनर अवार्ड जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फ्रांस का, ये किसे मिला है? तो ये मिला है फ्रांस के फ्रांकोइस लेबॉर्डे को। चेन्नई पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि स्टेटस बताएगा चोरी किए गए 2 व्हीलर्स और सेल फोन, तो उस ऐप का नाम क्या है? इसका ऐप का नाम है डीजी कॉप। EGAT कप जो कि थाईलैंड में हुआ उसमें 48 कैटेगरी में गोल्ड किसने जीता? तो ये गोल्ड जीता है मीराबाई चानू ने। US इंडिया CEO फोरम की पहली मीटिंग ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। ऑस्कर नॉमिनेटेड
ब्रिटिश एक्टर जो कि अब हमारे साथ नहीं है, वो उनको उनकी डेथ हो गई शॉर्ट इलनेस. उनका नाम क्या था? उनका नाम था एल्बर्ट फिनी. जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिविजनल स्टेटस किस रीज़न को दिया है? जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिविजनल स्टेटस किस रीज़न को दिया है? ये दिया है लद्दाख रीज़न को. टूरिस्ट मिनिस्टर के जे अल्फोंस ने सेकेंड एशियान इंडिया यूथ समिट, ये कहाँ पे हुई? तो ये हुई है गुवाहाटी में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलेट्रल फी एग्रीकल्चर लोन के हैं उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है, 1.6 लाख कर दिया है जो कि पहले थी 1 लाख, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हेल्प के लिए. 13th पेट्रोटेक ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में. तो 13th पेट्रोटेक ये कहाँ पे हुआ है? ग्रेटर नोएडा में. 2019 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए असिस्टेंट कोच की तरह किसे अपॉइंट किया गया है? गया है तो ये किया गया है रिकी पॉन्टिंग को. इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जी को अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन की तरह इलेक्ट किया गया है. ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी इथियोपिया में. कटलस एक्सरसाइज 2019 में इंडियन की कौन सी फ्रंट लाइन वॉरशिप ने पार्टिसिपेट किया था? तो कटलस एक्सप्रेस 2019 में इंडिया की INS त्रिकन ने पार्टिसिपेट किया था. किस सिटी के जुडिशियल डिपार्टमेंट ने हिंदी को एज अ थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इंक्लूड करने के डिसीजन लिया है अपने कोर्ट्स में अरेबिक और इंग्लिश के साथ साथ? तो ये किसने डिसाइड किया है? अबू धाबी ने. तो किस सिटी के जुडिशियल डिपार्टमेंट ने अरेबिक और इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी अपनी थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इंक्लूड किया है? तो वो किया है अबू धाबी ने. एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 ने किसे इनोवेशन इन डेटा साइंस की कैटेगरी में विनर की तरह अनाउंस किया है? तो ये किया है यस बैंक को. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब कितने रुपयों को एज ए बल्क की तरह वो ट्रीट करेंगे जो कि पहले इतना था? तो पहले जो 1 करोड़ को वो बल्क की तरह RBI ट्रीट करती थी, अब 2 करोड़ को वो बल्क की तरह ट्रीट करेंगे. 5 डे की मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन जो कि 46 नेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये कहाँ पर हुई है? कराची में. डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, उन्होंने 13 COP होगा 2020 में इंडिया में होगा, इसके लिए मैस्कॉट किसे अनाउंस किया है? इसमें जो मैस्कॉट होगा वो कौन होगा? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने और गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर एक 3 साल का एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है. इसमें कितना अमाउंट मिनिस्ट्री ने अलोकेट किया है इस प्रोजेक्ट के लिए? तो ये कितना किया है? 59 करोड़ रुपीज. चेन्नई ओपन ATP चैलेंज टूर्नामेंट में एंड्रयू हैरिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्हें हरा के अपने नाम ये टाइटल किया. उनका नाम क्या है? कॉर्टिन मोटेट. किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन ने? दीपा मेहता को. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर ऑयल रिफाइनरी के लिए किस कंट्री ने इंजीनियस इंडिया लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है? तो मंगोलिया ने EIL इंजीनियस इंडियन लिमिटेड के साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर ऑयल रिफाइनरी के लिए MOU साइन किया है. बाफ्टा अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में किसने जीता है? बेस्ट एक्टर कैटेगरी रामी मलिक जी ने जीता है. ये किस फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की थी? इन्होंने की थी बोहेमियन रैप्सोडी में. बाफ्टा अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म किसे मिली है? तो ये मिली है रोमा को. ग्रैमी अवार्ड 2019 जो हुए हैं उसमें एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर मिला है गोल्डन आर्स को. ग्रैमी अवार्ड 2019 में बेस्ट म्यूजिक वीडियो किसे मिला है? तो ये मिला है दिस इज अमेरिका म्यूजिक वीडियो को. आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का जो अवार्ड है वो बाफ्टा 2019 में किसे मिला है? तो ये मिला है द फेवरेट को. नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश के लिए एक 24/7 सैटेलाइट चैनल को लॉन्च किया है, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है डीडी अरुण प्रभा. कृषि कुंभ जो कि 3 दिन का था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? ये हुआ है बिहार में. इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और किस कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने मरीन पोल्यूशन इनिशिएटिव के लिए लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है? तो वो किया है नॉर्वे ने. फर्स्ट फीमेल ड्राइवर जिन्होंने MRF चैलेंज जीता ये शायद चेन्नई में हुआ था, ये हैं जेमी चैडविक. 83rd एडिशन सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई? ये हुई है गुवाहाटी में. इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को. डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने किसे 13th COP के लिए मैस्कॉट की तरह चुना? ये तो अभी उन्होंने देख लिया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को. 7th सेशन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है दुबई UAE. तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का 7th सेशन ये कहाँ पे हुआ है? दुबई UAE में. मेंस सिंगल में की जो टॉप 100 की लिस्ट है उसमें तीसरे भारतीय कौन है? तो इसमें तीसरे भारतीय हैं प्रजनेश गुणेश्वरन.
प्रजनीश गुणेश्वरन, किस कंट्री में लवासिया ने अपनी पहली लवासिया ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था? तो ये किया है इंडिया में। फर्स्ट लवासिया ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? स्टेट पावर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। स्टेट पावर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। क्रेडाई यूथ कौन, इसकी थीम क्या थी? ये क्रेडाई भी न्यू दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी नेक्स्ट जनरेशन। पब्लिक स्कूलों में लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ SOI साइन किया है? तो नीति आयोग ने मिशेल एंड सुजैन डेल फाउंडेशन के साथ SOI साइन किया है पब्लिक स्कूलों में लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करने के लिए। फिफ्थ इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2019 ये कहाँ पे हुआ? तो फिफ्थ इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुआ। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को। किस सिटी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन होस्ट किया, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ये होस्ट किया है न्यू दिल्ली ने। डैन डेविड प्राइस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है संजय सुब्रमण्यम जी को। किस बैंक के साथ NTPC ने एक लोन एग्रीमेंट को साइन किया है 5,000 करोड़ के? तो ये SBI के साथ किया है। तो NTPC ने SBI के साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया है 5,000 करोड़ का। जो पहली एनुअल कॉन्फ्रेंस है मीडिया यूनिट्स की वर्किंग अंडर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? ये ऑर्गेनाइज की गई न्यू दिल्ली में। MSME द्वारा मिनी रत्ना कैटेगरी में किसे विनर की तरह डिक्लेयर किया गया? तो MSME ने मिनी रत्ना कैटेगरी में NFDC को विनर की तरह अनाउंस किया है। गॉर्डन बैंक्स अब हमारे साथ नहीं रहे, वो एक फेमस फुटबॉलर थे। गॉर्डन बैंक्स एक फेमस फुटबॉलर थे। किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया गया? तो सिद्धार्थ लाल को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के साथ सम्मानित किया। अनडॉन्टेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर है पी चिदम्बरम। 2022 नेशनल गेम्स इसे होस्ट कौन से स्टेट करेगा? तो इसे होस्ट करेगा मेघालय। 2022 का नेशनल गेम जो कि मेघालय में होने वाला है, इसका मैस्कॉट कौन है? तो इसका मैस्कॉट है क्लाउडेड लेपर्ड। नेशनल गेम्स 2022 जो कि मेघालय में होने जा रहा है, उसका मैस्कॉट। रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया ने अपना नेम जो है चेंज कर लिया है, अब उसका नाम क्या हो गया है? रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया। एक्सरसाइज तोपची ये देवलाली कैंप में हुई है, ये कहाँ पे है? तो ये नासिक के पास है। इंडिया के पहले एक्वा मेगा फूड पार्क का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोलीधाम मेगा एक्वा फूड पार्क। तो फर्स्ट एक्वा मेगा फूड पार्क का नाम क्या है? कोलीधाम मेगा एक्वा फूड पार्क। इंडिया के पहले एक्वा मेगा फूड पार्क ये इस्टैब्लिश कहाँ पे हुआ है? ये इस्टैब्लिश हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश वही स्टेट है जहाँ पे 25th हाईकोर्ट बनने जा रहा है। उसके एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन होंगे? छागरी प्रवीण कुमार। मैनफ्रेड आइगन जिनका निधन हो गया है, इन्हें 1967 में नोबेल प्राइज मिला था किस फील्ड के लिए? किस फील्ड में? केमिस्ट्री में। किसे EY लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ नवाजा गया? तो ये किसे मिला है? आजिम प्रेम जी को। EY स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है बायजूस को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और वर्ल्ड बैंक ने एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है जिससे वो हेल्प कर पाएंगे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सिटीजन को मिल सके ग्रेटर शिमा एरिया में। तो ग्रेटर शिमा एरिया में क्लीन और रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल कराने के लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश और वर्ल्ड बैंक के साथ। ये कितने का लोन एग्रीमेंट है? तो ये है 40 मिलियंस का लोन एग्रीमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने US के फास्ट ट्रैक प्रोक्यूरमेंट के साथ इंडियन आर्मी को 72,400 नए 6 असॉल्ट राइफल्स देने के लिए एक डील साइन की है। इसका कॉस्ट कितना होगा? तो इसका कॉस्ट होगा 700 करोड़। किस स्टेट ने यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम को अनाउंस करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, जिसके तहत 400 रुपीज मंथली दी जाएगी पेंशन वो हर इंसान को जिसकी एज जो है 60 साल से ऊपर है और जिन्हें गवर्नमेंट से कोई पेंशन नहीं मिलती। तो वो स्टेट कौन सी है जो ये स्कीम लेके आ रही है मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना? वो स्टेट है बिहार। इंडिया ने पाकिस्तान से MFN जो उसका स्टेटस था इंडिया ने दिया था उसे विड्रॉ कर लिया है। इसमें जो F है वो उसका मीनिंग क्या है? तो MFN का पूरा फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो F क्या है स्टैंड कर रहा है इसमें? फेवर्ड। नासा ने अनाउंस किया कि जो उसका अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। ये लॉन्च कब किया गया था नासा के द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया था 2003 में।
इलेक्शन कमीशन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है सुशील चंद्रा को। आपको याद होगा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर ये हमने देखा था कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक होते हैं और इसके अंदर दो लोग होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो पता ही है कौन है, वो सुनील अरोरा जी। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे इसमें एक जो है वो पोस्ट खाली थी। एक तो थे कौन, अशोक लवासा जी। अब ये जो दूसरी पोस्ट थी ये किसे मिल गई है, सुशील चंद्रा को। सुशील चंद्रा को इंडिया ने, अभी हम लोगों ने देखा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था वो पाकिस्तान से ले लिया है। इसमें पूछा ये गया है कि MFN पाकिस्तान को कब दिया गया था, ये स्टेटस इसे पाकिस्तान को कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1996 को। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT का नया चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है प्रमोद चंद्र मोदी जी को। प्रमोद चंद्र मोदी जी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन की तरह अपॉइंट किया गया है। फिफ्थ इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग ये कहाँ पे हुई, ये हुई है न्यू दिल्ली में। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडिया का पहला एग्रोमेट फोरकास्ट सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इंडिया का पहला एग्रोमेट फोरकास्ट सेंटर ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, ये इनॉग्रेट किया है कर्नाटका में। एक कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की है गवर्नमेंट को कि डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर फिक्सेशन ऑफ नेशनल मिनिमम वेज गवर्नमेंट को। इस कमेटी को लीड कौन कर रहा था, इस कमेटी को लीड कर रहे थे अनूप सतपति। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 जो कि न्यू दिल्ली में हुई, इसकी थीम क्या थी, अटेनिंग द 2013 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस। अर्ली एड एशिया 2019 जो कि दो दिन का इवेंट था, ये किस सिटी ने होस्ट किया, तो ये होस्ट किया है जयपुर ने। किसने होस्ट किया है, जयपुर ने। अमेजोन ने एक अमेजोन पे UPI फैसिलिटी जो है इंडिया के एंड्रॉइड यूजर्स के लिए लॉन्च की है। ये अमेजोन ने किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक की पार्टनरशिप के साथ। नासा ने अनाउंस किया है कि एक नया स्पेस टेलीस्कोप मिशन जो कि ये समझेगा कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई और यूनिवर्स कैसे बना, उसका नाम क्या है, स्फीयर एक्स। IWAI इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है लार्डीज, जो कि रियल टाइम डेटा देगा, जो कि रियल टाइम डेटा देगा, तो नेशनल वाटरवेज के अवेलेबल डेप्थ के बारे में रियल डेटा देने वाला एक नया पोर्टल जिसका नाम है लार्डीज। इसको लॉन्च किसने किया है, IWAI ने। इसमें लार्डीज में आई का फुल फॉर्म क्या है, इसमें आई का फुल फॉर्म क्या है, तो पहले लार्डीज का देख लेते हैं। तो लार्डीज का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम, लीस्ट Available Depth Information System, लादिस। तो आई इसमें क्या दिख रहा है, Information। यूनिक्स सनराइज 83rd सीनियर नेशनल का फोर्थ टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है साइना नेहवाल ने। तो यूनिक्स सनराइज 83 सीनियर नेशनल ये किसने जीता है, साइना नेहवाल ने। इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम ये कहाँ पे बिल्ड होगा, ये बिल्ड होगा अमरावती में। विच बैंक हैज रोल्ड आउट द फर्स्ट US बैंक क्रिप्टो करेंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा JP Morgan। तो ये हमने देख लिया कि अमरावती में इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम बनने जा रही है, तो इसमें किस कंट्री की इंटरनेशनल कूलिंग प्रोवाइडर जिसका नाम है नेशनल सेंट्रल कूलिंग कंपनी ने आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ समझौता किया, तो ये है UAE की ये कंपनी है इंटरनेशनल कूलिंग प्रोवाइडर। फुटबॉल दिल्ली ने पहला फुटबॉल रत्न किसे दिया है, फुटबॉल दिल्ली ने पहला फुटबॉल रत्न किसे दिया है, सुनील छेत्री को, सुनील छेत्री को। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 के लिए दो लोग को चुना है, एक तो है इवा दे गोर्दे और एक है आर्थर वान डोरेन। ये किस कंट्री से हैं, तो इवा दे गोर्दे कहाँ से हैं, नीदरलैंड से, और आर्थर वान डोरेन ये कहाँ से हैं, बेल्जियम से। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्राइज ये किसे मिला है, ये मिला है अब्दुल अजीज मोहम्मद को, अब्दुल अजीज मोहम्मद इन्हें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्राइज मिला। किसे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे दिया है, विंसेंट वनाश को, विंसेंट वनाश को मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर के साथ नवाजा किया। पहली इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर कौन है IAF की, वो है हीना जायसवाल। UN के मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पॉलिसी और कंप्लायंस डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोलर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फॉर प्रोग्राम प्लानिंग बजट एंड फाइनेंस के लिए किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये किसे अपॉइंट किया गया है, चंद्रमौली रामानाथन। ये भी उन्होंने देख लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के नए सेक्रेटरी की तरह किसे चुना गया है, प्रदीप सिंह खरोला जी को। सिंप्लिसिटी एंड विजडम जिसे कुंभ मेला में लॉन्च किया गया था, ये किसने लिखी है, दिनेश शाहरा ने। किस कंपनी ने इम्फी टी क्यू नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म
लॉन्च किया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ताकि उन्हें टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स दिया जा सके. तो वो कंपनी का नाम क्या है, इंफोसिस इंडिया ने. तो पाकिस्तान से जितने भी गुड्स इंपोर्ट होते हैं उसमें जो कस्टम ड्यूटी है उसे इंडिया ने बढ़ा दिया है कितने प्रतिशत, तो ये बढ़ा दिया है 200%. ये जो सिंप्लिसिटी एंड विजडम बुक है जिसे कुंभ मेला में लॉन्च किया गया था, इसे दिनेश शाहरा जी ने लिखा है. इसे लॉन्च किसने किया, तो इसे लॉन्च किया है केसरी नाथ त्रिपाठी. ब्रूनो गांस जिन्होंने एक बहुत ही फेमस रोल प्ले किया था एडोल्फ हिटलर का ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म डाउनफॉल के लिए, वो अब हमारे साथ नहीं है. वो किस कंट्री से थे, तो वो थे स्विट्जरलैंड से. ईरानी कप ये किसने अपने नाम किया जो कि हो रहा था नागपुर में इंडिया को हरा के, तो ये किसने जीता है, विदर्भ ने. वर्ल्ड नंबर 3 रैंकिंग की सिमोना हालफ को हरा के किसने कतर ओपन अपने नाम किया, तो वो कौन है, एलिस मर्टिन. राजनाथ सिंह जो कि होम मिनिस्टर हैं और मेनका संजय गांधी जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक पैन इंडिया इमरजेंसी नंबर लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में. वो नंबर क्या है, 112. वो पहला वॉकिंग रोबोट बताइए जो कि GPS के और मैकिम के बिना नेविगेट कर सकता है, उसका नाम क्या है, एंट बॉट. लॉरेंस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड ये किस NGO ने जीता है, ये जीता है युवा ने. तो इंडिया का पहला फुल डॉम 3D डिजिटल थिएटर ये किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया, तो ये इनॉग्रेट किया गया है कोलकाता में, और किसके द्वारा, महेश शर्मा जो कि कल्चरल मिनिस्टर हैं. किसे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का शिव छत्रपति अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया है स्मृति मंदाना जी को. किस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक बिल पास किया है जो कि एंड करेगा मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया फॉर पंचायत एंड सिविक पोल कैंडिडेट्स, तो ये कौन सी स्टेट है, वो राजस्थान. 40th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल ये किस सिटी ने होस्ट किया, तो ये होस्ट किया है जैसलमेर ने. KJ अल्फोंस ने कौन सी स्टेट में डेवलपमेंट ऑफ इको सर्किट ये जो प्रोजेक्ट है इसे इनॉग्रेट किया, तो ये किस स्टेट में इनॉग्रेट किया है, केरला में. विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल इंश्योरेंस कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ट्रिप प्रोटेक्ट, तो ये किसने लॉन्च किया है, HDFC ERGO. वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये हर साल किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 20 February को. वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इसकी थीम क्या थी 2019 की, इफ़ यू वॉन्ट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, इफ़ यू वॉन्ट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस की थीम. किस स्टेट में बैंडिकूट जो एक ड्रेनेज क्लीनिंग रॉबोट है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है किस स्टेट में, तमिलनाडु में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को साउथ कोरिया में सियोल पीस प्राइज मिलेगा अपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्लोबल ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के काम के लिए. लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये किसे दिया गया है, नोवाक जोकोविक को. और लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये किसे मिला है, सिमोने बाइल्स जो कि एक जिमनिस्ट हैं, इन्हें 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था. 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी विजन जीरो ये कहाँ पे हुई थी, मुंबई में. कालिया छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप स्कीम ये किस स्टेट ने लॉन्च की है, ये लॉन्च की है उड़ीसा ने. किस सिटी ने फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि एक मंथ लॉन्ग फेस्टिवल है इसे होस्ट किया, तो ये होस्ट किया है काठमांडू ने. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये किस दिन मनाया जाता है, हर साल ये मनाया जाता है 21 February को. राजनाथ सिंह ने एक नया पार्क को इनॉग्रेट किया है जिसमें 7 wonders उसका रेप्लिकास बने हुए हैं, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में. उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है खुशी, जिसके तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएंगे स्कूल गर्ल्स को. तो इंडोनेशिया के जंगलों में अर्थ की लार्जेस्ट बी जिसका नाम है वेलक बी उसे फिर से स्पॉट किया गया है जिसे माना जा रहा था कि वो एक्सटेंट हो चुकी हैं. CCEA जिसे चेयर करते हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक लॉन्च की है योजना कुसुम योजना, जिसके तहत क्या प्रोवाइड किया जाएगा, इसके तहत फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी दी जाएगी फार्मर्स को. ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड का पहला वो कौन सा मैमल है जो कि एक्सटेंट हो गया, और ये एक नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया के छोटे से आइलैंड में रहता है, तो उसका नाम क्या है, स्मॉल ब्राउन रैट जो कि ऑस्ट्रेलिया के छोटे से आइलैंड में रहता है, वो ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज से एक्सटिंक्ट होने वाला वर्ल्ड का पहला मैमल है. तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने इग्रो फाउंडेशन के साथ एक कॉन्फ्रेंस
को इनॉग्रेशन किया. इस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था? द फ्यूचर ऑफ इंडियन बैंकिंग. किसे फर्स्ट ओम्बर्समैन बनाया गया है क्रिकेट बॉडी बीसीसीआई के अंदर? तो ये बनाया गया है डीके जैन जी को. इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ऑफिसर किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया? तो ये किया है केरला पुलिस ने. थाईलैंड और यूनाइटेड स्टेट के द्वारा होस्ट की गई एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम है, जो कि बिगेस्ट एक्टिविटी की है जिसमें 29 नेशंस पार्ट करेंगे आइदर एज अ पार्टिसिपेंट और एज एन ऑब्जर्वर. तो उस एक्सरसाइज का क्या नाम है? कोबरा गोल्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डिप्लॉय स्पेशली ट्रेन डॉग्स टू चेक स्मगलिंग ऑफ लिकर? तो वो स्टेट कौन सी है? बिहार. पीयूष गोयल ने एक नया डैशबोर्ड लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में, जो कि बताएगा रेलवे के द्वारा पूरी कंट्री में क्या क्या काम किए जा रहे हैं. डैशबोर्ड का क्या नाम है? रेल दृष्टि. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज स्टार्टेड टू ट्रेड इट्स न्यू करेंसी द RTGS डॉलर? तो कंट्री का नाम क्या है? जिम्बाब्वे. इंडिया की पहली स्टेट जिसे सेकेंड कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मिला है वो कौन सी स्टेट है? तमिलनाडु. विच ऑफ द फॉलोइंग टीम स्कोर 278 टू रजिस्टर द हाईएस्ट एवर टोटल इन T20? किस स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, जिसके तहत 100 दिन की गारंटीड आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हर साल अर्बन यूथ के जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं? तो स्टेट का नाम क्या है? मध्य प्रदेश. श्रीलंका वो पहली एशियन टीम जिसने साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीती है. अमेजॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में किसने ज्वाइन किया है? तो वो किया है इंदिरा नूई ने. FCI अरावली जिप्सम और फैगमिल ने एक वाइट सीमेंट प्लांट बनाएंगे जिसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट होगी 605. ये कहाँ पे बनने जा रहा है? ये बनेगा हिमाचल प्रदेश में. नाइजीरिया के प्रेसिडेंट फिर से कौन री इलेक्ट हो गए हैं? तो इनका नाम क्या है? मुहम्मदु बुहारी. RBI ने 3 और बैंकों को PCA फ्रेमवर्क से बाहर हटा दिया है और वो अपनी लेंडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसे रिज्यूम कर सकती हैं. इसमें PCA में सी का फुल फॉर्म क्या है? तो PCA का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन. तो सी क्या स्टैंड कर रहा है इसमें? करेक्टिव. इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI ने MOU साइन किया है किसके साथ? नेशनल वाटरवेज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे. फ्यूल्स लुब्रिकेटिंग ऑयल HPG नेचुरल गैस और कोई भी ऐसे ही रिलेटेड फ्यूल्स और गैस के लिए. तो IWAI ने IOCL के साथ MOU साइन किया है. एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है संप्रीति, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन है. ये इंडिया और किसके बीच में होता है? तो ये होता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में. तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होने वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति. किस स्टेट ने प्रणाम बिल को लॉन्च किया है जिसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करना इस बिल का मकसद? और तो वो कौन सी स्टेट है? आसाम. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पोस्ट नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपसे हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना हो, एंड मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर.